अर्ज किया है, मेरे दिल से आती है अब यही सदा, तू भी जाकर किसी से चक्कर चल। अरे नहीं, मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा, वो तो इस घर के लोगों के चक्कर देख देख के चक्कर आ रहे हैं। कैसे नहीं आएंगे चक्कर, उस लड़की ने घन चक्कर जो बना दिया है। किस लड़की ने? वही जिससे थी उम्मीद, मेरे 2 करोड़ को ना 2000 समझ के उड़ा गई है। हो क्या रहा है? मना किया था ना मैंने, शर्मिंदा करवा दिया, तो बड़ी अफलातून लड़की है। बिल्कुल सही कह रही है मेरी अम्मी, ठीक कह रही है आप, मुझे नहीं करनी कोई उम्मीद से शादी, धोखा हुआ है मेरे साथ। हद होती है नादानियों की, उम्मीद ने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया कि वो बच्चा भागने में मजबूर हो गया। देख रहे हो ना फरजाद? पाशा अंकल, इस बार उम्मीद ने ठीक किया। फरजाद बिल्कुल ठीक कह रहे, वो लोग फ्रॉड थे। अरे अच्छे खासे माकूल लोगों को तुम फ्रॉड कह रहे हो सिर्फ अपनी भतीजी की मोहब्बत में? पाशा अंकल, माकूल तो वो कहीं से नहीं लग रहे थे, काफी लालची लोग थे। अच्छा, और पैसे और हक मेहर की जो बात उम्मीद ने की थी वो? ये सब क्या हो रहा है? हो रहा था निकाह जो अब नहीं हो रहा। वो तो मैं अपने बेटे की जिद पे शादी से राजी हो गई थी, लेकिन कौन करेगा सफला तू उनसे शादी? मैं करूंगा शादी। लगता है तुम्हें अपनी टांगे प्यारी नहीं है। मुझे अपनी टांगे बहुत प्यारी हैं, लेकिन उम्मीद सबसे प्यारी है। चलिए निको जी, चलते हैं। मुझे नहीं जाना चाहिए। अरे निको जी चलिए, कम अम्मी की बात माना। चल। ऐसा नहीं है पाशा साहब, वो लोग सिर्फ पैसे की डिमांड करने आए थे। तुम्हारी बेजा हिमायतों की वजह से ये बिगड़ गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका करूं क्या।